गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो और हम यहाँ से जो वीडियो भेज रहे हो वो अच्छी तरह से कर रहे हो और वीडियो को लाइक भी कर रहे हो। आज हम करेंगे जीके, पेज नंबर 355 पे। लेसन नंबर 1 है प्राउड टू बी एन इंडियन, हमें हमारे भारतीय होने पे गर्व है। ओके, तो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आई एम प्राउड ऑफ द ग्लोरियस पास्ट वेयर इंडिया वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड एज द गोल्डन बर्ड। सोनानी चिड़िया तरीके इंडिया आपणू फेमस हतु। ओके, फॉरेनर्स वेर एट्रेक्टेड बाय इंडियाज वेल्थ रिसोर्सेस रिच कल्चर एंड सिविलाइजेशन। फॉरेनर्स जो थे वो हमारे इंडिया के वेल्थ और रिसोर्सेस, हमारे पास जो सारी चीज़ें थी उससे अट्रैक्ट हो गए थे, उससे वो आकर्षित हो गए थे। दे ऑल्सो मेड इंडिया देयर होम, उसने इंडिया को अपना होम बनाने के लिए ट्राई किया था। इंडियन कल्चर हैज़ assimilated various cultures in itself. हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। Since ages, many Indians have excelled in various fields. इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत सारी फील्ड में अपना नाम कमा चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं वो साइंटिस्ट, क्रिकेटर, एक्टर और बहुत सारे लोग बहुत सारा कार्य कर चुके हैं। They have carved their names in the annals of history and made India proud. वो सारे लोग थे, उसने अपना नाम हिस्ट्री में लिखाया है और इंडिया को प्राउड फील कराया है। दे आर ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, वी आर ग्रेटफुल टू देम। वो हमारे लिए इंस्पायरेशन का सोर्स है, वो हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे इंडिया के प्राउड कराते हैं और हम उसके ग्रेटफुल, मीन्स हम उसको थैंक यू कहते हैं कि वो हमारे इंडिया को प्राउड कराते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम द नोबल लिटरेचर्स ऑफ इंडिया सोन बिलो। यहाँ पे जो सारे पिक्चर्स दिए गए हैं, सारे पीपल के पिक्चर्स दिए गए हैं, वो किस चीज़ में फेमस थे वो ऊपर लिखा हुआ था है, और कौन से साल में वो उसने क्या कार्य किया था वो भी लिखा हुआ है। हमें उसका नाम लिखना है कि ये पर्सन का नाम क्या है। ओके, तो पहला पिक्चर है उससे, ये जो पर्सन थे उसने लिटरेचर मीन्स लेखन कार्य में अपना नाम कमाया था और उसका साल है 1913। तो ये जो नाम है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्र RABINDRA रविंद्रनाथ NATH टैगोर TAGORE रविंद्रनाथ टैगोर, जो लिटरेचर में 1913 में उसने नोबेल प्राइज जीता था। ओके, अब सेकेंड है फिजिक्स। फिजिक्स इन 1930, जो फिजिक्स नाम का हमारा जो लेखन कार्य होता है 1930 में, उसमें किसने नोबेल प्राइज जीता था, तो इस पर्सन का नाम है सी वी रामन RAMAN सी वी रामन। फिर थर्ड पिक्चर जो है वो है मेडिसिन और फिजियोलॉजी। मेडिसिन बनाने में या फिजियोलॉजी के कार्य में 1968 में किसने नोबेल प्राइज जीता था, तो इस पर्सन का नाम क्या है, इस पर्सन का नाम है हर गोबिंद खुराना KHORANA हर गोविंद खुराना। फिर फोर्थ पिक्चर है, उसने पीस में 1979 में नोबेल प्राइज जीता था। पीस मींस शांति कार्य के लिए। ओके, तो ये लेडी का नाम है मदर टेरेसा, MOTHER मदर TERESA मदर टेरेसा। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर है
फिजिक्स में 1983 में नोबेल प्राइज जीता था। तो इस पर्सन का नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, SUBRAHMANYAN सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, CHANDRA चंद्र SEKHAR SUBRAHMANYAN सुब्रमण्यन CHANDRA SEKHAR चंद्रशेखर, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। इकोनॉमिक्स में 1998 में नोबेल प्राइज किसने जीता था? इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, उसमें नोबेल प्राइज जीता था अमर्त्य सेन ने, AMARTYA SEN अमर्त्य सेन। फिर जो है सेवेंथ नंबर पे लिटरेचर 2001 में नोबेल प्राइज जिसने जीता था, लिटरेचर मीन्स लेखन कार्य, उसमें नोबेल प्राइज जीता था V.S. Naipaul NAIPAUL नेपोल। फिर एथ नंबर में केमिस्ट्री में 2009 में जिसने नोबेल प्राइज जीता था, केमिस्ट्री मीन्स साइंस का जो सब्जेक्ट होता है, वो 2009 में किसने नोबेल प्राइज जीता था? वेंकी रामाकृष्णन, VENKI वेंकी रामाकृष्णन, RAMAKRISHNAN रामाकृष्णन, वेंकी रामाकृष्णन। फिर लास्ट नंबर 9 पे पीस में 2014 में किसने नोबेल प्राइज जीता था? पीस मीन्स शांति कार्य के लिए, तो उसमें नोबेल प्राइज जीता था कैलाश सत्यार्थी, KALASH SATYARTHI कैलाश सत्यार्थी। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर, इंडियन डिफेंस। इंडियन डिफेंस मीन्स हमारे जो सुरक्षा के जो सारी टीम है इंडिया की, उसे हम डिफेंस की टीम बोलते हैं, जो हमारी सुरक्षा करती है। ओके, इंडियन डिफेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री विंग्स, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। हमारी जो डिफेंस की फोर्स है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हुई है। आर्मी मीन्स हमारी जो बॉर्डर पे आर्मी होती है, हमारे आर्मी के जो लोग होते हैं वो बॉर्डर पे रहते हैं, उसे आर्मी। नेवी मीन्स जो दरिया होता है उसके आजू बाजू में जो नेवी के शिप होते हैं उसे हम नेवी बोलते हैं, और एयरफोर्स जो एयर के जो होते हैं कमांडोज उसे हम एयरफोर्स बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, और प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के वो इस सब के हेड होते हैं। द इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट्स अवर लैंड, जो हमारी लैंड पे मीन्स बॉर्डर पे जमीन पे जो हमारी रक्षा करते हैं उसे हम इंडियन आर्मी बोलते हैं। ये है वो इंडियन आर्मी टैंक है, इंडियन आर्मी इंसिग्निया मीन्स हमारे आर्मी का सिंबल है, इंडियन आर्मी मीन्स हमारे आर्मी के जो लोग है इसका यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, हमारी जो टीम होती है सैनिक होते हैं उसका। द इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट्स अवर लैंड फ्रॉम अटैक्स, हमारे जो लैंड पे अटैक होते हैं उससे हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है, जो बॉर्डर पे जो सारे अटैक होते हैं दूसरी कंट्री के
उससे ये हमारी इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट करती है. इट इज़ द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस विच डिफेंस अवर कंट्री. ये सबसे लार्जेस्ट है ये सारे तीन हिस्सों में और हमारे कंट्री को डिफेंड करती है, प्रोटेक्ट करती है. द इंडियन नेवी प्रोटेक्ट्स अवर सीज. हमारे जो दरिया काठे होते हैं उसकी जो प्रोटेक्शन करते हैं उसको हम इंडियन नेवी बोलते हैं. ये है वो इंडियन नेवल सीप है. मींस एक जो सीप होता है जो सारे हमारी दरिया के आसपास जो बॉर्डर होती है उसकी देखभाल करता है. ये इसका सिंबल है और ये इसके ऑफिसर्स है. द इंडियन नेवी इज़ द मरीन ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. ये हमारी मरीन मीन्स, जो मरीन मीन्स हमारे जो सारे दरिया काठे होते हैं उसको हम मरीन ब्रांच बोलते हैं. तो ये इंडियन नेवी है, ये उसकी प्रोटेक्शन करती है. इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट अवर मैरीटाइम बॉर्डर्स फ्रॉम हॉस्टाइल पावर्स. सारे जो हमारे दरिया काठे होते हैं उसका प्रोटेक्शन करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. द इंडियन एयरफोर्स प्रोटेक्ट अवर स्काइज. हमारे जो आसमान में सारे एयरफोर्स के विमान होते हैं वो हमारे कोई भी हमारे आसमान से अगर कोई खतरा होता है उससे हमारा प्रोटेक्शन करते हैं. ये जो सारे हैं वो विमान है, एयरफोर्स के विमान, एयरक्राफ्ट जिसे हम बोलते हैं. ये हमारा एयरफोर्स का सिंबल है और ये एयरफोर्स के पायलट्स है. ओके, द इंडियन एयरफोर्स इज द एयर विंग ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. ये अरे हमारी एयरफोर्स जो है वो एयर विंग से हमारा प्रोटेक्शन करती है. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज टू सिक्योर द इंडियन एयर स्पेस. हमारे जो इंडियन एयर स्पेस का जो हमारा हिस्सा है उसे प्रोटेक्शन करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट कंडक्ट्स बॉम्बिंग मिशंस ड्यूरिंग वॉर्स. बॉम्बिंग जो मिशन होते हैं, बॉम्ब जो डालते हैं या उसे प्रोटेक्शन करते हैं, इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. हमारे इंडियन आर्मी के जो चीफ है मीन्स उसके जो हेड होते हैं उसका नाम है जनरल बिपिन रावत. उसका नाम है जनरल बिपिन रावत. इंडियन नेवी मीन्स जो दरिया काठे के जो होते हैं उसका जो चीफ है उसका नाम है एडमायरल करमवीर सिंह. एडमायरल करमवीर सिंह ये नेवल चीफ है. जो नेवी का नेवी के चीफ होते हैं उसको हम नेवल चीफ बोलते हैं. और ये एयरफोर्स के चीफ है मीन्स हमारे एयरफोर्स की जो आर्मी है उसके चीफ का नाम है एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धावना. एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धावना. ओके, तो हमारे इंडियन आर्मी के पास कौन से वेपन्स होते हैं, हथियार कौन से होते हैं. तो इंडियन आर्मी जो लैंड पे हमारी प्रोटेक्शन करती है, जमीन पे बॉर्डर पे, उसके पास राइफल मीन्स एक गन होती है, जो बड़ी गन होती है उसे हमें राइफल बोलते हैं. मिसाइल्स होती है, जब भी जैसे युद्ध की परिस्थिति आती है बॉर्डर पे तो ये मिसाइल्स का यूज़ करके वो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं. और टैंक होती है, टैंक मीन्स एक बड़ा सा ट्रैक्टर का टाइप होता है, उसमें से एक गोला निकलता है जिससे हमें रक्षा करती है. फिर है इंडियन एयरफोर्स. ये इंडियन एयरफोर्स का सिंपल एयरक्राफ्ट है जिसे हम बोलते हैं MiG-21 सिंपल एयर विमान है इसे बोलते हैं, जो हमारे देखभाल के लिए इस्तेमाल होता है. ये है सुखोई. सुखोई मीन्स यहाँ से ये जो सुखोई विमान है इसमें दो ऐसे विंग्स होते हैं जिससे मिसाइल हम छोड़ सकते हैं. तो ये मिसाइल वाला जो विमान है इसे हम सुखोई बोलते हैं. और ये है माइरेज. माइरेज में से हम बॉम्ब या कुछ भी जो गोला टाइप का होता है वो हम इससे कैरी कर सकते हो और फेंक सकते हैं. ये है माइरेज, जिसका नाम है माइरेज. फिर इंडियन नेवी, ये एक सीप होती है, सिंपल सीप होती है जिससे ये सारी बॉर्डर की प्रोटेक्शन करते हैं, देखभाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेवल सीप. फिर ये नेवल एयरक्राफ्ट होता है मींस जो नेवी के पास एयरक्राफ्ट होता है सारे बॉर्डर को देखने के लिए कि कहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उसे हम बोलते हैं नेवल एयरक्राफ्ट. और लास्ट में है सबमरीन, जो पानी के अंदर तैरती है और थोड़ा ही उसका बाहर होता है जिससे देख सकते हैं कि कोई सिप यहाँ से आ नहीं रहा. तो ये है सबमरीन. डू यू नो आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th January होती है तब हम आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं.
नेवी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4th December। जो नेवी डे मीन्स हमारा होता है उसे हम 4th December को सेलिब्रेट करते हैं। और एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8th October। जो एयरफोर्स डे होता है वो हर साल 8th October को हम सब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको होमवर्क में फर्स्ट चैप्टर में जो सारे पर्सन के नाम थे लेसन नंबर 1 में, उसको 5 times लिखना है। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप स्कूल के नंबर पर कॉल करके अपना डाउट या क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। बाय।